सभी को जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में और आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे अमित जी बैठे हैं, अभी आपको मिलवाते हैं इनसे। और अभी समय हो रहा है 4:39। सब लोग ऐसे टाइम दिखाते हैं ना, मैं भी ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दीदी का फ़ोन है, अभी अभी चुरा के लाया हूँ क्योंकि वो सुबह उठी नहीं है। और इतना सुबह जब तक हम जाके भी आ जाएंगे तब तक भी उठेगी नहीं, इसलिए फ़ोन उठा के ले आया मैं। तो आप सबको एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी देखते हैं कि अपन क्या करते हैं कि बाइक चली जाए, अभी अमित जी से भी मिलवाते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। ध्वज लगाएंगे अपने रक्तांचल पर्वत पे, जैसे कि पहले लगवाया था। मेरे पास एक ही भगवा टी शर्ट है तो इसी से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। भाई साहब सभी को जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे सभी को वाह वाह वाह, अमित जी की तरफ से भी। ये वही है डबल एक्सल साइज वाले, आपने देखा होगा इनको, हम स्टोरीज पे डालते रहते हैं इनका। ये थोड़े क्या बड़े आदमी हैं तो उस हिसाब से हमको रहना पड़ता है। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं, अनिल जी, गुरु जी और ये सब लोग आएंगे, अभी ध्वज लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अजी खुशी राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। ये है नज़ारे, अभी तक सूरज उगने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही होगी किसी की, इसीलिए व्लॉग नहीं कर पा रहे अभी। अभी तक उजाला हुआ नहीं है कि हम आपको दिखा पाए कैसे नज़ारे हैं। वैसे देख लीजिए अभी भी अंधेरा ही है, सूर्योदय अभी तक हुआ नहीं है, तो हम तो वैसे पहुंच ही गए हैं आपको। अरे यार कुछ नहीं दिख रहा है, चलो उजाला हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। थोड़ा बहुत उजाले का सामना हम कर रहे हैं अभी जी। यार दूर कैसे बैठे हैं यार, पास आओ यार, आपसे थोड़ी बात वार्तालाप करनी है। तो यह उजाला आ रहा है यार, सही है सही है। बाकी दिखाते हैं सामने का भी, सामने तो अभी भी अंधेरा सा ही दिखाई दे रहा है, लाइट जा चुकी है, 5:30 बज गए, इसलिए आवाज़ें मार दी गई है हमको, तुरंत प्रभाव से आया जाए। अभी तक उजाला एकदम ढंग से हुआ नहीं है। बाकी रात को 1 बजे सोए थे और सुबह 3 बजे उठ गए, 2 घंटे की नींद लेके आए। तो वैसे तो अभी तो एकदम फ्रेश है, पर दिन में नींद आएगी बहुत बढ़िया वाली। ओहो, बहुत दिनों बाद रक्तांचल पर्वत पर आए, समय नहीं मिल रहा था। कॉलेज वॉलेज खुले थे बट अब कॉलेज बंद हो चुके हैं, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है, तो अब आपको एक दिन व्लॉग पूरा जो रक्तांचल पर्वत है पूरे पीछे का दिखाएंगे। डंडो तो बड़ो कर दिया पर झंडो तो करे एक बंदा। भाई साहब लेट कैसे हो गए, सबको ही आप बुलाए थे। वो प्लेटें लगवा रहा था राबड़ी भावड़ी की, राबड़ी की व्यवस्था सब भी नहीं चलता। हम भी खास दुबे वाले मैटर से बहुत शर्मिंदा हैं, अब हम दोबारा नहीं। दीपेश जी की ये सच्चाई है, पुलिस वाला मारा हो लग जाए। सारे लगे पड़े वीडियो बनाने में। अरे फोटो खींचने में मजा आ रहा है, अब तो सब है गजब आ रही है क्योंकि नजारा इतना प्यारा है। किसी भी वस्तु को चलने के लिए कुछ उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई न कोई साधन की स्थापना करी जाती है। तो हमने ध्येय लिया है उन्हें भारत को अखंड बनाने के लिए, इस भारत की भूमि जो आक्रांताओं ने कहीं न कहीं खंडित करके उसके जो सिर है
जो हमारा कश्मीर है, जो हमारा सिर है, उसका आधा भाग पाकिस्तान, जो पूर्व में है उसको बांग्लादेश, और ऐसे करते करते भारत का बहुत जो भूभाग है उसको जिन्होंने काटा है उसको पुनः अखंडित, जो भारत है उसको पुनः हम एकत्रित करके पुनः अखंडित करेंगे, उसकी स्थापना के लिए आज हम यहाँ पे संकल्प लेना है। इधर आओ आप, इधर आओ आप, सब वार्तालाप कर लिया। एक एक फोन पकड़ में नहीं आता क्या आपसे? एक फोन पकड़ने में शर्म आ रही है। कर भाई मुझे फोटो नहीं भरी तू उंडी यार। हाँ ये देखो, हिंदी में बात करो, लोग बाग क्या इतनी लैंग्वेज समझते हैं, क्या पता किसी को मारवाड़ी आती हो नहीं। बिरंगी हो, देश छोड़ो, केन मोदी से पास आउट है सब गलत नहीं। भाई साहब ने एमटेक करी हुई है, कॉलेज के बारे में गलत नहीं सुनूंगा। सबसे ज्यादा चर्सी, गंजेड़ी, नशेड़ी, बंगेड़ी केन मोदी में मिलेंगे, केन मोदी में मिलेंगे। तो मैं क्या गलत, तो मैं क्या ये मानूं कि अमित जी भी ये इन सब का प्रयोग करते, सप्लायर थे, सप्लायर उनको धकेलने वाले थे। गुरजी नारे नारेबाजी में आप सामने ले हुए, कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, बस इतना ही। अरे पूरी नहीं आ रही ढंग से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये किस जगह में खड़ा हूँ भाई साहब? मुझे पैरों को पकड़कर प्रोटेक्शन दी जा रही है, हम बहुत ऊंची जगह खड़े हैं, तो हमें भी डर लग रहा है कि हम गिर ना जाए। ओए ओ क्या चल रहा है ये हमारे देवेंद्र भाई पोजीशन लेते हुए बॉक्सिंग की। बहुत सही, बहुत सही। ध्वज अपना लहरा रहा है, उसके बाद हम थोड़ा शूट वूट करने लगे। अब करते हैं आगे का काम। चालू कर छोरो कोटो जी यार। अरे यार काय बात है की जल्दी कर। आजो, क्या चल रहा है ये? अरे भाई मेरे को पोजीशन बताओ, आजकल मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ ना। पता पता पता, एक घंटी हटा दी अंदर, एक घंटी हटा दी, शॉट लगा था। ओहो ये खाने पीने के मामले में बहुत गंदा आदमी है भाई साहब। खाना पीना चाहिए, खाने के शौक अच्छे हैं। बहुत देर पड़ जाए जो भी कोई। ये ऐसे ऐसे प्राणी है जो इनको फोन प्यारा है, मगर भाई लोग प्यारे नहीं है। अरे सामने तो नहीं, क्या आप भयंकर देते हो, तो एक छोटा सा हो जाए, हमारे लोग भी सुनना चाहते हैं। एक तो ये बताओ, फाइटर डिफेंस एकेडमी का ब्लॉग कब बनाया जाए? बहुत रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की कि भाई फाइटर डिफेंस एकेडमी का बने ब्लॉग। जब आप चाहो, आपका मैं अभी अपने बंदे का, मैं ना अभी एकेडमी गए हुए हैं भर्ती में, नहीं हो गया अभी, पुलिस वाले हैं दिल्ली पुलिस वाले। अब क्या कॉलेज वॉलेज की छुट्टियां लग गई, तो सोच रहे हैं कि अब कैमरा ला के, अभी यहाँ कैमरा भी अपग्रेड करेंगे अपन, तो उसके साथ अपन फाइटर डिफेंस एकेडमी का ब्लॉग बनाए। आपको ना ब्लॉग में छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं, पहले जैसे गाँव में तो होते ही है, देवालयों में सभी देवालय होते हैं ना, जिनमें होते ही है नवरात्रि स्थापना के, ऐसे शहरों में भी ये छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अच्छा, जिससे लोग जुड़े संस्कृति से। अगली जगह यह जगह अपनी से ठीक नहीं, अपनी से मेरा कायम रहे। बहुत ज्यादा गर्मी है यार। हेलो चलो भाई चलो, हाँ कंटिन्यू एमटेक। इंसान रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो पहले, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सब जगह लग बैठ के गलत बात नहीं। ये देखिए रक्तांचल पर भगवा छा रहा है, दिख रहा होगा आपको, यही है। चलिए चलिए चलिए, क्या
तो अभी आपने देखा कि हम फाइटर डिफेंस एकेडमी के अंदर हैं। ये देखिए पूरा ये एरिया है, मेरी बहुत फेवरेट जगह है और इसका जल्दी अपन एक व्लॉग बनाएंगे अच्छा सा फाइटर डिफेंस एकेडमी का भी, जैसा कि गुरुजी से मैंने कहा। और देखो मुझे सही में पता नहीं होता है, व्लॉग जब बनाते हैं तो कुछ भी मतलब होश नहीं रहता है कि क्या क्या शूट हो रहा है, तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता व्लॉग कैसा बना होगा, वो तो मैं अब देखूंगा और आपने तो ये देख लिया होगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड व्लॉग था पर बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करिए, नेचुरल रहने की कोशिश करिए, जितना मैं नेचुरल दिखा सकता था दिखाया। और ये सब ने बहुत अच्छे से नववर्ष सेलिब्रेट करा, तो एक बार आप सभी को फिर से शुभकामनाएं नववर्ष की। और बस बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।